माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बड़ा सपना है जो मैंने आपसे बात की, जो जाना आपको, कि रूरल इंडिया का एकदम रेवोल्यूशन लाया जाए. गांव में जो है वो जब बात हो रही है कि उनकी इनकम को बढ़ाया जाए, जो किसान है जो वहां पे, उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए. आपकी जो बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बात करते, आज हमने सोचा कि इसको लोग भी जाने कि हम लोग कैसे उनका, तो उसमें जो मेन आप काम कर रहे हैं वो मोरिंगा के लिए जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बताइए. मैं आपको दो मिनट में बता देता. प्रधानमंत्री का सपना है, नरेंद्र मोदी का, कि गांव में आर्थिक उन्नयन कैसे हो. और मैकेंजी जो दुनिया की एक रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा कि चाइना में 42% महिलाओं का योगदान रहा तो जीडीपी में ग्रोथ हुआ. हमने इसी प्रधानमंत्री और वर्ल्ड बैंक मैकेंजी के रेटिंग के अनुसार गांव को अपने नवादा लोकसभा के संसदीय क्षेत्र के आदर्श ग्राम खंडवा को लिया. वहां मैंने गाय और माय को लिया. माय शब्द को मैंने सोलर चरखा से जोड़ा, जो अभी विभाग एक बड़ा स्कीम बनाया है सोलर चरखा मिशन के लिए, जहां 10,000 की आमदनी 8,000 से 12,000 महिलाओं के हाथ में हो जाए. और गाय शब्द हमने इसलिए प्रयोग किया कि पुराने जमाने में गाय हमारे लिए अर्थ का केंद्र, लेकिन लोगों ने उसे बड़ा ही उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मॉब लिंचिंग से जोड़ दिया, बड़ा दुखद है. तो हमारे विभाग ने एमगिरी एक संस्था है जो रिसर्च का काम करता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने कटे हुए बाल और गौमूत्र से एमिनो एसिड हम लोगों ने बनवाया, जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के रूप में. तो ये गाय और माय, एक गाय जो दूध दे या ना दे, केवल मल और मूत्र, गोबर और मूत्र से वो मंत्री जी हमको पता है, क्योंकि जैसे जो लोग गाय के लिए जानते हैं, गाय के व्यवसाय में 5 से 6 महीने तक उनको इनकम होती है, और वो भी शायद 28 रुपए का दूध बेच के 5 रुपए नहीं बचा पाते, 5 रुपए केजी भी प्रॉफिट नहीं आता. आप उनका गोबर जो साल भर अवेलेबल है, और उन गायों का भी अवेलेबल है जो दूध नहीं देती, वो 5 रुपए में खरीद रहे हैं, उनका गौमूत्र 10 रुपए में आप ले रहे हैं, और वहां पे इतना बड़ा विकास, मतलब जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, और उस पर पूरी रिसर्च चल रही है वो तो अब, और इतने सारे आप काम कर रहे हैं. तो हम स्टेज वाइज 2-3 चीजों में अलग से सबको बताना चाहते हैं कि जैसे एक तो आपने वुमन एम्पावरमेंट किया, वुमन एम्पावरमेंट से जो जो उनकी इनकम पर डे की 160 रुपए से भी कम थी, वो आपने सोलर चरखा के थ्रू 200 रुपए 300 रुपए, मतलब वो औरतें जो है वो 6,000 से अब 12,000 के आसपास कमाने लगी है, जिसको आपने अलग अलग स्पेंडल्स उनके बढ़ाए हैं, जो आपने उसको सोलर से जोड़ा, जिससे जो उनकी मैन पावर लगती थी, अब औरतों में उतना नहीं रह गया कि वो फोर्सफुली काम कर सके 24 घंटे, तो उसको आपने छोड़ दिया. देखिए, इसमें मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं. मैंने कहा गाय और माय, अगर किसी किसान के घर में 2 जानवर हैं और 2 चरखे हैं तो 20,000 रुपया उसके घर में आएगा, और ये इकोनॉमी वहां के जमीन जिससे खेती करते हैं, धान और गेहूं हमारे राज्य में ज्यादातर होता है, कुछ भाग में गन्ना होता, उससे ज्यादा आमदनी, 2 गुना आमदनी इससे साल में एक ऐसी स्थिति बनाया है. वही नहीं, अब तो एक खादी का रिसर्च, हैंडमेड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जयपुर में, वहां के साइंटिस्टों ने 3 बड़े काम किया. एक बड़ा काम किया कि हैंडमेड पेपर में कचरे को इन्वेल्ट किया. दूसरा काम किया हम लोगों ने कि गोबर से हैंडमेड पेपर बनवाया, 50% 70% गोबर, 100%. फिर वही नहीं, जिसे बिहार यूपी में सहजना कहते, साउथ में मुंगा कहते, मोरिंगा कहते, ड्रम स्टिक कहते, आज ड्रम स्टिक से पेपर बनाया है. ड्रम स्टिक ही नहीं, जो सूडो स्टिंग बनाना कहते हैं, केले का थम जो वेस्ट है किसानों के लिए, उसकी कीमत जब आने लगेगी, तो हमने पेपर चाइना से कंपीट करने का
हम एक रास्ता हमारे लोग ने दिखाया है। ये तो एनवायरनमेंट लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि दिन पर दिन ट्री कम हो रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे वहाँ जो पेपर का यूज होता है उसमें यूकेलिप्टस और अलग अलग यूज हो रहे हैं। अगर हम लेबर को किसी भी तरीके से कंपोनेंट में करें तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जैसे दिल्ली एनसीआर के आसपास राइस हस्क जितना होता है सब जलाते हैं पहली को, जब तो कितना सारा एनवायरनमेंट इश्यू है। अगर हम उसको पेपर में मिला लें और साथ में काउ डंग को भी, तो इससे न केवल उसकी कॉस्ट कटिंग होगी पेपर की, इसके साथ साथ में ये भी होगा कि एक एनवायरनमेंट को बहुत बड़ी जो है उसमें हेल्प मिलेगी। तीसरा, इसी गाय और मैस से जुड़ा हुआ, गाय से गोबर से हम लोगों ने, हम पुराने जमाने में मुझे याद है कि बचपन में मेरा घर डिस्टेम्परिंग अगर होता था तो गाय के गोबरों से ही होता था, गोबर से होता था। हमारे साइंटिस्टों ने गोबर से डिस्टेम्पर और पेंट बनाया। जब मैंने पेंट इंडस्ट्री को बुलाया अपने यहाँ, उन्होंने कहा कि आज तक मेरा ध्यान कभी इस ओर गया ही नहीं था कि ये भी एक सेगमेंट है। तो अभी रिसर्च का काम चल रहा है, मैं समझता हूँ कि आपके साथ मिलकर के उसकी पूरी प्रोसेसिंग यूनिट मैं चाहूंगा कि यहाँ भी एक रहे जो लोग देख सकें। तो पेपर बना लिया, और जो धान का पुआल होता है जो आज एक समस्या बना हुआ है, उस समस्या से भी अभी हम एक दिन पहले कायर बोर्ड के साथ मिलकर के, सेक्रेटरी भी थे, पूरी टीम थी, उसने जो बोर्ड बनाया है वो हम रिप्लेस करेंगे मजबूती के साथ और दाम के साथ। वो करेंगे किसको रिप्लेस, जिसको आप कहते हैं प्लाईवुड कहते हैं, पीपी वो पर्टिकल बोर्ड कहते हैं, एमडीएफ कहते हैं, उन बोर्डों को रिप्लेस करने की क्षमता है। और इन सब के पीछे जो प्रधानमंत्री का विजन है कि किसानों की आय दुगनी हो, इसमें हम किसानों की आय भी दुगनी कर रहे हैं। बहुत बड़ा है, मतलब अगर आप गाय को, जो आज हमारे लिए एक हमें सभी के लिए पूजनीय है, और उसको आपने उसको सस्टेनेबल मॉडल बना दिया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। गाय की सेवा तभी करेंगे जब उससे, गाय से हम लोग उससे जुड़ेंगे और जुड़ेंगे और सेवा करेंगे, जब हमारे लिए जीविका पर सोच जाएगी। अगर हम उसके मिल्क के जो मेन प्रोडक्ट है और उसके बाई प्रोडक्ट से भी हमारे इनकम होने लगेगी, जो काउडंक है या हम जिसको गौमूत्र क्यों कर रहे हैं, उस पर आपने इतनी रिसर्च की आज, क्योंकि आपको आपके चेहरे को फायर ब्रांड की तरह सारी दुनिया जानती है, लेकिन आपके एमएसएमई में जो रिसर्च है, जो आपने इतना कुछ दिया है, जो इतने टाइम में इतना सारा कुछ कर रहे हैं, मेरा ये था कि जरूर आप लोग भी जाने। और ये इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आपने यहाँ पे राजघाट पे जगह दी, हम भी चाहते कि नए नए इनोवेटिव मॉडल जो है वो आए और लोगों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, लोग जाने उसके बारे में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो लोगों तक जब पहुंचेंगे तो उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। लेकिन एक बार और हमने जो रह गया कि नरेंद्र जो ऑयल है और उसकी जो लीफ है वो अभी तक सुना था कि जड़ी बूटियों में यूज होता है, लेकिन उसको भी आप कह रहे हैं कि हम किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए उसका यूज करेंगे। मैं वही काम करता जो पहले करके प्रैक्टिकल दिखवा लेता। अभी हमने बिहार में 100 एकड़ किसानों के साथ अनुबंधित करके एक एंटरप्रेन्योर खड़ा है जो कैटल फीड बनाएगा और बना रहा है। उस कैटल फीड से जानवर में इनफर्टिलिटी जो आजकल क्रॉस ब्रीड गायों में हो गया है वो खत्म होगा, जो मेस्टाइटिस जिसे थनैल रोग कहते हैं वो उस फीड से खत्म होगा, और वही नहीं दूध का यील्ड मिनिमम 20% बढ़ जाता। तो एक तरफ जानवर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, रोगों से मुक्त होगा, दूसरे तरफ किसान को मिनिमम 1 लाख रुपए एकड़ आएगा। केवल आएगा ही नहीं, एंटरप्रेन्योर का काम होगा उनके बायोमास को खरीदना, उनके सारे, उनको कहीं जाना नहीं है, और एंटरप्रेन्योर भी सस्टेन करेगा। हमने ये मॉडल खड़ा की है। दूसरा मॉडल जो हम पेपर के साथ मोरिंगा को जोड़ रहे हैं, वो किसान को मिनिमम 2 लाख से 2 लाख रुपया आएगा, एंटरप्रेन्योर ही उनके बीज को खरीदेगा। जैसे आपने देखा कच्ची घानी, ये लो टेम्परेचर पर इसके निकाले जाते हैं जिसे वर्जिन ऑयल कहते हैं, वो एंटरप्रेन्योर जुटेगा, वो टेक्नोलॉजी आपसे लेगा और फिर उसकी मार्केटिंग करेगा। और तो और हम उसके रूट भी 1 एकड़ में हाई डेंसिटी में 45,000 प्लांट लगेंगे,
अब समझ लीजिए कि एक रूट की कीमत मिनिमम 100 रुपया होगा, तो वो रूट कितना देगा पैसा एंटरप्रेन्योर और किसान को, आप अंदाज लगा सकते हैं। मेरे अंदर एक ही है, प्रधानमंत्री की चिंता है कि हम रोजगार के अवसर पैदा करें, छोटे छोटे चीज जो मैंने अभी आपके साथ, और किसानों की आय दोगुनी करें। हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं और साथ में साथ विस्तृत रूप में हमारे चेयरमैन के भी आईसी आपको बताएंगे या सेक्रेटरी बताएंगे। हमने मोरिंगा से एक मोरिंगा विलेज की कल्पना, पहले तो इसी कैंपस में जहां भी मोरिंगा लग सकता है लगाई है। एक ब्लॉक को अगर मैंने मोरिंगा ब्लॉक कर दी तो समझ लें कि वहां किसानों की आमदनी इतनी अधिक होगी, लेकर के फसल से लेकर के पेपर बनाने से लेकर के कई ऐसे तत्व होंगे। मोरिंगा आने वाले दिन में, सहजना आने वाले दिन में किसानों के लिए एक प्राण बांध का काम करेगा। केवल किसानों के लिए काम नहीं करेगा ये, जो लोग नहीं जानते सहजन को मोरिंगा, तो उनको जानना चाहिए कि ये बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके जो अगर आप ऑयल यूज करते हैं तो इसमें हेयर का जो है वो आपको बहुत ग्रोथ उसके मिलती है। इसके अलावा इसको अगर बच्चे यूज करते हैं तो उनमें प्रोटीन की और बहुत जो है वो तेजी से ग्रोथ होती है। इसके अलावा अगर बड़े लोग यूज करते हैं जो लोग हैं उनके लिए बोन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मोरिंगा ऑयल एज वेल एज इनकी लीव्स, और आप कह रहे हैं और एक बार अगर आप उसको देते हैं तो 4 से 6 महीने में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, मतलब ये फल देने लगता है और इसकी लाइफ 5 से 10 साल तक की लाइफ मानी गई है। एक बार बोते हैं तो 15 महीना में, पहला सीड से बोते हैं तो, अगर कटिंग से बोते हैं तो 6 से 8 महीने में। तो एक बार आपका इन्वेस्टमेंट में बहुत कम पानी चाहिए होता है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो काम कर रहा है ना, यही सक्सेस स्टोरी को लोगों तक पहुंचे। वो कैसे आज इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा टेस्ट करते हैं, अगर हम इन सारी चीजों को जो हमारी सक्सेस स्टोरीज है, जो हमारे पास बहुत कुछ गवर्नमेंट कर रही है और जैसा आप इतना कुछ कर चुके हैं, वो लोगों तक पहुंचे। और उसी ये यूट्यूब चैनल और हम लोगों ने सोशल मीडिया में एक और अभी हमारे चेयरमैन आए थे, उन्होंने कहा था ये जो जलकुंभी होता है अंग्रेजी में वाटर हैसिन क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये जलकुंभी हमारे वाटर बॉडीज के लिए वहाँ कुछ आप लगाना चाहें तो उसको साथ मिला करके पुआल जो पैडी स्ट्रॉ कहते हैं उसको मिला करके अगर वैल्यू एड कर दिए आपके छोटे मशीन पेपर प्लेट ग्लास, तो फिर मत समझें कि इसका क्या वैल्यू होगा, लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी। आज देश के अंदर में दुनिया में आज प्लास्टिक को एक तरह से डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका होगी गांव में रोजगार का भी, किसानों की आमदनी का भी। जैसा हम सब जानते हैं कि जो है वो भारत देश गांव में बसता है, और हमारे मंत्री जी का और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मानना है कि गांव से ही विकास निकलेगा। जब तक गांव में ग्रास रूट पे विकास नहीं होगा, लोग वहां पे हम उनकी आर्थिक स्थिति सुधार नहीं पाएंगे, तो इस देश का विकास असंभव है। और उसके लिए हमारा जो ये एमएसएमई डिपार्टमेंट मंत्रालय है, ये बहुत सारा काम कर रहा है। उसके आज छोटी सी, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में इंक्यूबेशन सेंटर खुल रहा था और आज मंत्री जी को उसका उद्घाटन करना था, तो उस उपलक्ष्य में हमने उनकी छोटा सा टाइम लिया कि उन्होंने जो कुछ जो कर रहे हैं अलग अलग, और सारा कुछ वो डिवोटेड रूरल इकोनॉमी के लिए, गांव के लिए, किसान जो लोग ग्रास रूट पे हैं उनको उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो है मतलब पूरे देश में फैल जाएगा। अगर किसी किसान को उस धान और गेहूं की और गन्ने की खेती से 30 से 50 हजार रुपए पर एकड़ मिल रहा है, और जिसको हमने बहुत काफी डिस्कशन मेरा मंत्री साहब से हुआ, उन्होंने बहुत लोअर साइड पे कहा है, तो इससे सहजन की खेती से या जो हम जो और उसमें इनोवेटिव तरीके कर रहे हैं उससे कम 1.5 से 2 लाख रुपए तक पर एकड़ की उसको वो होगी, और वो भी इन्वेस्टमेंट एक टाइम, वो भी जिसमें आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एक बार प्लांट की ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद आपको उसमें फर्टिलाइजर और पानी बहुत कम देना है और आपको सिर्फ उसमें से पैसा मिलना है। तो ये आपके बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये जाने लोग, क्योंकि आपका एक पक्ष लोग जानते हैं,
लेकिन ये पक्ष जो आप दिन रात किसी चीज के लिए इतने जुझारू ढंग से इस देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव वालों के विकास के लिए लगे, इसको जानना चाहिए। और मैं जरूर कहूंगा कि इसके बाद आप थोड़ा सा समय दें कि हम अलग अलग प्रोजेक्ट पे आपका विजन रिकॉर्ड कर सके। मैं भी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि एजुकेशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है राज्य, इस देश की भूमिका है। कोई मुख्यमंत्री अगर इस इमोशन के साथ जुटे, मेरा चेहरा क्या है मैं नहीं जानता, मैं तो राष्ट्रवादी आदमी हूँ, हाँ धार्मिक हूँ, लेकिन मुझे फक्र है, लेकिन प्रधानमंत्री के सपनों को अगर किसी 10,000 की आबादी पर 20 से 30 करोड़ रुपया अगर जनरेट हो सकता है, तो ये देश देश में क्रांति आएगा। हो सकता है प्रधानमंत्री ने अभी 22 तारीख को एक घोषणा की पेट्रोलियम डिपार्टमेंट की ओर से, जैसे बिजली का ग्रिड है वैसे सीएनजी ग्रिड बनेगा बायोगैस का, तो उसमें ये इतना बड़ा काम करेगा, गाय का गोबर का पेंट, हम कपड़े का रंगाई कर रहे हैं, बायो कंपोस्ट बना रहे हैं, और फिर ये रंग बनेगा, डिस्टेम्पर बनेगा, तो गाय को अब कोई मॉब लिंचिंग नहीं, गाय अर्थ की केंद्र होगी। बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और आपके इस विज़न को भी लोगों ने जाना, और हमको सबका हमारा ये दायित्व है इस विज़न को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैंने एक छोटी सी कोशिश इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ से है, लेकिन आपके पास जहाँ भी है तो आप शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जहां तक लोगों के पास ये बातें पहुंचेगी वो और इसकी खोज करेंगे और कहीं ना कहीं वो अपने मकसद तक कामयाब होंगे। धन्यवाद।